नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, मेथड फाइनेंस इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे नतीजे विदाउट वेस्टिंग, अब सीधा लेके चलता हूँ क्वार्टर फोर नतीजों की तरफ। देखिए ये मिलियंस में, तो मैं एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले देखते हैं। इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे जो इस बार निकल के आती है वो है 2640.9 करोड़, और पिछले क्वार्टर में ये थी 2839.3। यानी जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर साफ साफ नजर आ रहा है कमी दोस्तों। डिविडेंड इनकम कुछ भी नहीं है इस बार भी। इस बार भी बात करें नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस की, तो ये इस बार निकल गया है 4.9 करोड़ रुपीज, जो पिछली बार था 3.9 करोड़। यानी यहाँ एक करोड़ का कह लीजिए उछाल है। सेल ऑफ सर्विसेज ये निकल गया, ये 3.29 करोड़, जो पिछली बार 4.8 करोड़ रुपीज था। बात करें सर्विस चार्जेस की, तो ये इस बार निकल के आती 20.7 करोड़, जो पिछली बार थी 20.20 करोड़ी। और जब आप ये सब को मिला लेंगे तो देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकल के आएगा। आप देखिए 2669.8 करोड़, जो पिछली बार 2868.2 करोड़ रुपीज़ था। यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको कमी देखने मिल रही है। अदर इनकम देखेंगे 8.4 करोड़ है, पिछली बार जो था 3.5 करोड़। और इन सब को अगर आप मिला लेंगे अदर इनकम के साथ, तो मिलता है बनता है 2678.3 करोड़ रुपीज़, जो पिछली बार था 2871.7 करोड़। और देखिए चीज़ ना, ईयर ऑन ईयर भी ये कम दिख रही होगी आपको और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, यानी लगातार ये सेकेंड क्वार्टर है जब आप नंबर्स ऑन क्वार्टर बेसिस कम देख रहे होंगे, ठीक है। और यही चीज़ है जो इनके शेयर प्राइस में इतना प्रेशर बना के रखी हुई है। अब बात करते हैं खर्चों की, तो देखिए एक्सपेंसेस में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस बार जो फाइनेंस कॉस्ट है ये निकल गई है 920.8 करोड़, जो पिछली बार थी 950.2 करोड़। यानी बहुत ही अच्छा कमी आया है फाइनेंस कॉस्ट में। बात करें इंपेयरमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, तो ये पॉजिटिव रहा है 69 करोड़, पिछली बार के 88 करोड़ के कह लीजिए खर्चों से। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो इस बार बहुत ज़्यादा निकल के आई दोस्तों, 313.2 करोड़, जो पिछली बार केवल थी 254.5 करोड़, 254.5 करोड़, और इस बार निकली 313.2 करोड़। यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस में एक अच्छा खासा जंप है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इंपेयरमेंट में 15.8 करोड़, जो पिछली बार था 13.9 करोड़। बात करें अदर एक्सपेंसेस की, तो ये 206.6 करोड़ निकल के आई है पिछली बार के 183.3 करोड़ से। और इन सब खर्चों को मिला लेंगे तो जो टोटल एक्सपेंस निकल के आता है 1386.5 करोड़, जो पिछली बार था 1494 करोड़। यानी खर्चों में आप देख रहे हैं अच्छी खासी कमी आई है। और ये चीज़ देखिए, अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखता है वो हमें दिख रहा है दोस्तों कितना, 1291.7 करोड़, जो पिछली बार था 1377.6 करोड़। यानी यहाँ पे आपको गिरावट देखने साफ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, तो देखिए जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकल के आया है वो है दोस्तों 332.4 करोड़ रुपीज़, जो पिछली बार था कितना 932.4 करोड़, जो पिछली बार था 1039.4 करोड़। यानी कि दोस्तों तो ये तो बहुत कम हुआ है, 932.4 करोड़ इस बार निकल के आई है पिछली बार के 1039.4 करोड़ से, ठीक है। और यही कारण है कि जो इसकी ईपीएस है ये 25.64 से घट के 23.93 हो गई है। अब देखिए इस रिजल्ट का असर कल क्या होता है, कल वापस से क्या मुथूट फाइनेंस बहुत गिरेगा, प्लस इस कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया, तो देखिए मेरे हिसाब से तो कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है, कहीं भी नहीं दिया है डिविडेंड। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।